ग्वालियर जिले में लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। और इसी बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने देश में तो कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। तो वही कांग्रेस द्वारा लोकसभा प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जो प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है वो भी टिकट वापस कर मैदान से वापस जा रहे हैं। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मैंने तो राहुल बाबा से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में तो कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। लेकिन अति आत्मविश्वास में फिर भी नहीं आना है अपन। अति आत्मविश्वास घातक होता है, जीती बाजी हार जाते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। इससे बढ़िया उदाहरण कहां मिलेगा। मैं ये कहूँगा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह जी को जिताने के लिए लगभग 2 लाख वोटों से हम जीतेंगे ऐसा हम विश्वास रखते हैं। चुनाव के लिए कार्यालय बैठने की आवश्यकता पड़ती है, उस निमित्त पूरे लोकसभा के चुनाव के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, विधि पूजा हुई है। अब इसमें जो भी कार्यकर्ता आएंगे बैठने के लिए जगह रहेगी, कई मीटिंगें होंगी चुनाव से संबंधित,